Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we are going to discuss unit number 6, the television versus newspaper, यानी के television बमुकाबला अखबार. So it's a comparison between television and the newspaper. These are two mediums which are very important in our daily routine life. So we use them to have the first knowledge on the world, television as well as newspaper. So what features the television has and the newspaper has, so we are going to compare and discuss it. So we should start from paragraph 1. News coverage over television is different from reading newspapers. So writer is saying that ki television par jo जो नशरियात है वो अखबार में जो खबरें हम पढ़ते हैं उससे मुख्तलिफ होती है. न्यूज़पेपर वर प्राइमरीली इस्टेब्लिश टू कवर द न्यूज़. जो पहले जो न्यूज़पेपर का क़याम हुआ इब्तदाई तौर पर शुरू में प्राइमरी यानी कि इब्तदाई तौर पर इस्टेब्लिश जो ये कायम किए गए, इनको निकाला गया, इनको छापा गया, इसलिए कि जी वो टू कवर द न्यूज़ एंड यानी कि जो अखबारात जो खबरें थी उनको शाया करने के लिए शाया हो. एंड लेटर ऑन दे एडेड एंटरटेनमेंट. बाद में उनमें तफरी का भी इजाफा कर दिया गया. यानी कि अखबारात इब्तदाई तौर पर खबरें फराहम करने के लिए बनाए गए थे, बाद में इनमें तफरी का भी इजाफा कर दिया गया. ऑन दी अदर साइड दूसरी जानब टेलीविज़न वॉज मेनली मेंटेड फॉर एंटरटेनमेंट. टी वी जो था वो बुनियादी तौर पर इंटरटेनमेंट की तफरी के लिए इसको ईजाद किया गया. एंड देन इट बिकेम एन इफेक्टिव न्यूज़ मीडियम. और बाद में ये मतलब ख़बरों का भी एक मौसर ज़रिया बन गया. इफेक्टिव एक मौसर ज़रिया बन गया ख़बरों का. नॉट टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल. अब जो टेलीविज़न न्यूज़ है, जो खबरें नशर होती हैं टेलीविज़न पे, वो एक ताकतवर इनके हरीफ बन गई हैं. राइवल क्या होता है? पर्सन हू डू द सेम बिजनेस एस यू आर डूइंग. जो भी आप कर रहे हैं वही वो दूसरा भी करता है. यू मतलब कीप ऑन मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपैरिजन एंड पॉलिसीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यू मे से दैट कंपटीशन इन बिटवीन योर प्रोडक्ट्स. आप मुख्तलिफ किस्म की कंपटीशन आप में चलते रहते हैं, हेल्दी कंपटीशन होते हैं, तो राइवल कहलाता है हरीफ. एक ताकतवर हरीफ बन चुका है टू न्यूज़पेपर यानी कि अखबार का. अब टेलीविज़न जो अखबार का एक ताकतवर हरीफ बन चुका है. तो बोथ ऑफ दिस मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफेक्टिवली. गो के दोनों जो ज़राए हैं खबर जो है वो बड़े यानी कि मौसर अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं, कवर करते हैं. कवर यहाँ पहुंचाने की मीनिंग में लीजिए आप. देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट. लेकिन है क्या कि इन दोनों के जो तरीक़ेकार हैं वे दे डू इट, इसमें एक वाज़े फ़र्क है. इनके जो तरीक़ेकार हैं यानी कि दोनों ही दोनों जरा मौसर अंदाज में खबरें पहुँचाते हैं, लेकिन इनके तरीक़ेकार में एक वाज़े फ़र्क है. Second, student, newspaper do not require us to sit at a place and read the news. Television, यानी कि newspaper जो हमसे ये तकाजा नहीं करता, require कि कई जगह बैठे और खबरें पढ़ें. Busy people may read the paper any time of the day. जो मसरूफ लोग हैं वो दिन के किसी भी वक्त खबरें पढ़ सकते हैं. They may read the news that is important to them early in the morning. जो खबरें उनके लिए अहम है वो सुबह भी पढ़ सकते हैं. And carry the paper with them to read in the bus or van. अपने साथ अखबार ले जा भी सकते हैं कि वो बस या वैन में पढ़ लें. दे मे ऑल्सो चूज टू ओमिट. ओमिट का मतलब होता है टू लीव, छोड़ देना, निकाल देना. सर्टेन आस्पेक्ट्स पहलू गो से ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन. अगर वो कोई खबर पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि पूरी पढ़नी है उन्होंने, बल्कि उसके वो हिस्से या वो गोशे जो उनकी दिलचस्पी के मुताबिक नहीं है वो उनको छोड़ने का भी इंतखाब कर सकते हैं. थर्ड है टेलीविज़न. ऑन दी अदर हैंड टेलीविज़न दूसरी जानब रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स टू बी एट अ सर्टेन प्लेस. अब टेलीविज़न दूसरी जानब की तकादा करता है कि जो उसके देखने वाले हैं, जो उसको देख रहे हैं नाजरीन जो है, वो एक जगह बैठे एट अ सर्टेन टाइम एक खास वक्त में मुकर्रर वक्त में इन ऑर्डर टू वॉच एंड लिसन टू द न्यूज़. खबरें देखने के लिए और सुनने के लिए, यानी कि दूसरी तरफ टेलीविज़न के नाजरीन को खबरें देखने और सुनने के लिए एक मखसूस जगह या वक्त दरकार होता है. दे आर बिजी पीपल. अगर वो मसरूफ हैं दे विल मिस द न्यूज़. ज़ाहिर है कि वो नहीं बैठ सकेंगे और ला मोहला उनकी खबरें
बिस्कट देंगे निकल जाएंगी. दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे. वो ये इंतखाब नहीं कर सकते टेलीविज़न की खबरों में कि जी वो इसको बाद में कभी पढ़ लें या अपने साथ ले जाके कहीं पढ़ लें दिन के किसी भी वक्त. ऐसा नहीं कर सकते वो. जो फैसिलिटी न्यूज़पेपर में थी इसमें नहीं. दे कैन नॉट इवन चूज विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप. और वो ये भी इस बात का भी इंतखाब नहीं कर सकते, ये भी उनके इख्तियार में नहीं कि अपने ख्वाहिश के मुताबिक खबर का कोई हिस्सा स्किप कर दें, छोड़ दें, ओमिट कर दें. वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर. एक काम हो सकता है कि जिसको रिकॉर्ड कर लिया जाए बाद में इसको देख लिया जाए. बट द पॉइंट हियर इज दैट इट इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट. लेकिन बात ये है कि यानी कि ये इतना आसान काम नहीं है कि जिसको रिकॉर्ड करके और बाद में देख लिया जाए. फोर्थ है टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस. टेलीविज़न कुछ उसके जो आप जिनके डार्क जो आस्पेक्ट्स हैं हमें अंदर सुस्ती लेकर आता है, लेजीनेस लाता है. वी कैन व्यू द न्यूज़ विद लिटिल और नो एफर्ट सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट. हम जो है खबरें देख सकते हैं थोड़ी सी या बिल्कुल भी यानी कि बगैर किसी कोशिश के, थोड़ी सी या बगैर किसी कोशिश के, क्योंकि अमले तौर पर तफरी की एक शक्ल है एंटरटेनमेंट तफरी. इफ़ यू हैव द लेजर टाइम लेजर फुर्सत फारग फ्री, अगर कोई फारग टाइम है वक्त है हमारे पास फारग, वी कैन व्यू दैट टेलीविज़न न्यूज़ एनी टाइम. तो फिर हम टेलीविज़न की जो न्यूज़ है खबरें वो किसी भी वक्त द डे एंड नाइट रात दिन में किसी भी वक्त देख सकते हैं. यानी कि अगर हमारे पास जो है वो वक्त है तो फिर हम टेलीविज़न की खबरें दिन या रात में किसी भी वक्त इनके देख सकते हैं. इट ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एज इट इज़ हैपनिंग. ये टीवी की बात कर रहे हैं कि ये खबरों को ऐसे ही नशर करता है जैसे वो वकूफ़ पज़ीर हो रही है. ब्रॉडकास्ट में नशर करना टीवी पे देना जैसे जैसे वो हो रही है. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी. उबूर जुबान पर उबूर, मास्टरी उबूर जुबान पर बहुत ज़्यादा उबूर ज़रूरी नहीं है फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न. यानी कि जो आदमी तरजीह देता है प्रेफर करता है न्यूज़ को टेलीविज़न पर देखने के लिए उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जुबान पर उबूर हो. बिकॉज एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी. इसलिए कि हर चीज़ जो है वो बसरी है और यानी कि बसरी है और समयी है कि सुनने से और देखने से ताल्लुक है. तो आदमी अगर देख रहा है तो उसको समझता जाएगा. इतनी कोई ज़ुबान की उसमें जानने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं. ठीक है जी. यानी कि जो शख्स टेलीविज़न पर खबरें देखने को तरजीह देता है उसे ज़ुबान पर ज़्यादा मारा दरकार नहीं होती क्योंकि हर चीज़ बसरी और समय है. इन कंपेरिजन यानी कि अगर वो किया जाए इसको यानी कि कंपेयर किया जाए द रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर नीड्स टू बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज. हालांकि जो अखबार का जो पढ़ने वाला है इसके बरक्स अखबार का जो कार्य है इसको जो है वो ज़ुबान पर महारत की ज़रूरत है. प्रोफिशिएंट होना चाहिए, माहिर होना चाहिए लैंग्वेज में इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर. इसको बेहतर अंदाज से समझने के लिए यानी कि इसके बरक्स अखबार के कार्य को इसकी बेहतर समझ बूझ के लिए ज़ुबान पर महारत की ज़रूरत होती है. ऑल्दो टेलीविज़न कैन गिव अस द मोस्ट अपडेटेड न्यूज़ एंड यूजुअल. ओके जो अगरचे टेलीविज़न हमें यानी कि ताज़ा तरीन बसरी खबरें जो है वो हमें दे सकता है. न्यूज़ पेपर्स कैन गिव अस मोर इन डेप्थ कवरेज. तो न्यूज़ पेपर क्या करता है, अखबार क्या करता है कि हमें ज़्यादा तफसीली अशात देता है, ज़्यादा तफसीलात ज़ाहिर की खबर की जो होती जो भी न्यूज़ होती है उसके बारे में. वी कैन हैव दिस डिटेल्स इन न्यूज़ पेपर नॉट ऑन द टीवी. एडिटोरियल्स एंड कॉलम राइटर्स एडिटोरियल जो यानी कि लिखने वाले हैं कॉलम इदारिया या जो कॉलम नवीस है कॉलम राइटर्स हैं कैन गिव अस देयर एक्सपर्ट व्यूज. हमें माहिराना राय अपनी दे सकते हैं एंड एनालिसिस तज्जिया दे सकते हैं दैट वी कैन डाइजेस्ट स्लोली एज वी रीड दैम. कि हम उनको यानी कि पढ़ते हुए आसानी से समझ सकते हैं. डाइजेस्ट के मीनिंग टू अंडरस्टैंड. यानी कि हमें इदारिया नवीस और कॉलम निगार हमें अपनी माहिराना राय और तजवीज दे सकते हैं जिसे हम पढ़ते हुए आसानी से समझ सकते हैं. मैनी पीपल ऑल्सो ऑप्ट टू रीड. सो ऑप्ट का मतलब होता है कि जी यानी कि इंतखाब करना तरजीह देना. ऑप्ट टू रीड मोर दैन वन न्यूज़ पेपर. बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने पर तरजीह देते हैं अ डे दिन में सो हैज़ टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ताकि वो यानी कि जान लें मुख्तलिफ़ किस्म के जो आ रहे हैं नुक़्ता नज़र हैं उनको ऑफ द स्टोरी उस कहानी के उस खबर के बारे में एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी. वैलिडिटी में सदाकत
उसकी जो भी ऑथेंटिसिटी है, सदाकत है, उसको जान सके। यानी कि बहुत से लोग दिन में एक से ज़्यादा अखबार पढ़ने को भी तरजीह देते हैं ताकि खबर पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और उसकी सदाकत जान सके। रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक टू द आर्टिकल्स बाई राइटिंग टू द फोरम पेजेस। रीडर्स जो हैं, जो कारीन हैं, वो यानी कि अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं टू द आर्टिकल, उस मजमून के बारे में किस तरह बाय राइटिंग टू फोरम पेजेस, यानी कि जो खास उनके लिए मखसूस होते हैं, वो जो कारीन के सफ़ात उन पर लिख के अपनी राय भी दे सकते हैं किसी खास पर्टिकुलर मजमून के हवाले से। व्यूअर्स ऑफ द टेलीविजन न्यूज़ डू नॉट हैव दिस लग्जरी एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलेवेंट। यानी कि जो टेलीविज़न के देखने वाले जो नाजरीन हैं, उनको ये सहूलत मैसर नहीं है, लग्जरी मतलब आसाइश समझ लें आप, नहीं रखती कौन सी वाली कि वो अपने को फीडबैक दे सकें। बिकॉज क्यों कि खबरें इतनी तेज़ी से गुजरती हैं, फ्लाइज भी जारे के पास आउट होना रात, वो तेज़ी से गुजरती हैं कि उनका उनसे वाबस्ता उनके मुतालिक रेलेवेंट मुतालिक कोई राय दी जा सकनी बहुत मुश्किल है, नहीं दी जा सकती। इस मीडिया में स्ट्रेंथ दैट दी अदर डज नॉट, हर दरे की ताकतें जो दूसरे की नहीं होती। ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर कोई जो है वो अपने नुक्ता नज़र को वाजे करने के लिए एक मजबूत यानी कि नुक्ता नज़र का इस्तेमाल करता है। दैट दी अदर लैक्स, लैक्स मीन्स कमी होना, किल्लत होना, जो दूसरे के पास जिसकी कमी होती। टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, यानी कि टेलीविज़न की जो खबरें वो ऐसी जैसे कि आप एक यानी कि फौरी तैयार शुदा जो खाना होता है उसको खा रहे हैं। वेयर इज रीडिंग न्यूज़ पेपर इज़ लाइक हैविंग अ 10-course डिनर, जबकि जो अखबार का मुताला ऐसे ही जैसे एक बहुत बड़ा पुरतकल्लुफ खाना हो। यानी कि ये समझने के हिसाब से टेलीविज़न की खबरें जैसे फास्ट फूड इंसान बाहर खड़े होकर कहीं खा रहा है या तेज़ी से खा रहा है, तेज़ी से बन गया, तेज़ी से खा लिया उसने, जबकि न्यूज़पेपर पढ़ना ऐसे ही कि मतलब आप अ पर्सन हु इज़ गोइंग टू रीड न्यूज़पेपर ही कैन हैव डिटेल एंड गुड एंड प्रोफाउंड नॉलेज अबाउट ईच एंड एवरी न्यूज़। सो इट कैन नॉट बी एबल टू डू इट इन एट ऑन द टेलीविज़न, बिकॉज वट इज वॉचिंग ऑन द टेलीविज़न इज नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड होल इन द होल, बिकॉज न्यूज़ आर पासिंग, ओके, पिक्चर्स आर पासिंग एंड रनिंग। तो बट इन न्यूज़ पेपर इट इज़ इन योर हैंड, यू कैन सिट इन सैल्यूटेशन एंड यू कैन read it again and again to have a good knowledge about any news. The idea seems to be जो अच्छा दिखता है जो पसंदीदा बात तो यही है, if one has the time, अगर किसी के पास वक्त हो तो to both read the news and the watch it on television, के दोनों खबर को पढ़ भी ले और उसको टेलीविज़न पर देखने का काम भी कर ले, ये दोनों चीज़ें जो है वो उसके लिए यानी कि बेहतर हैं। तो ओके सो वी हैव फिनिश्ड इट, we have discussed this, inshallah, to question answers and all exercises which have been given after it, it will be discussed in second lecture, inshallah. Assalam.